छोटा हो बड़ा हो, बेरोक टोक सब जगह सबको आने जाने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। ये अधिकार हमको भारत के संविधान ने दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित है। रही माननीय राज ठाकरे साहब की बात, तो उनके अयोध्या जाने पर विवाद है। उत्तर भारतीय नाराज हैं इसलिए कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ माननीय राज ठाकरे जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उनका अपमान किया, जो इतने समझदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। यूं तो अटक से कटक तक सब जा सकते हैं, राज ठाकरे भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय का तकाजा है। अगर उनकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ उनने गलती की उत्तर भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी करके, तो राज ठाकरे जी को सम्मान के साथ उत्तर भारतीयों से क्षमा मांगनी चाहिए। ये बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, सबका शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया, उससे बहुत भारी संख्या में मुसलमान मोदी जी से जुड़ना प्रारंभ हुआ। अब वो लोग जो लोग राजनीति 75 साल से कर रहे थे, मुसलमान के दरवाजे से टाट तो नहीं हटाया उन्होंने, रहुआ दिखाते रहे बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी, ये पता नहीं बीजेपी वाले तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अब जो मुसलमान का झुकाव हुआ है पार्टी की तरफ, उससे कुछ लोगों को बेहद परेशानी है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज मैं समीर के घर में बैठा हूँ, अभी मतीन के प्रतिष्ठान से चल करके आया हूँ, और इतनी दूर से इनके आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है, मुस्लिम शहर में है, पुणे मुस्लिम शहर नहीं कहना चाहिए, तो हिंदुस्तान का एक शहर है, महाराष्ट्र का एक शहर है। अब उसको अब वो समय हिंदू मुसलमान वाला मुझे लगता है ख़त्म होना चाहिए, अब हिंदू मुसलमान वाला समय नहीं रह गया, अब राष्ट्रवाद वाला समय है, प्रेम मोहब्बत वाला समय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्यार मोहब्बत जज्बात कभी रूठा नहीं करते, रिश्ते हैं जन्मों के मिल के टूटा नहीं करते। तो हमारा इनका समीर का मदीन खान साहब का जो प्रेम मोहब्बत है वो हमको खींच के लाया है, और ये सदा रहने वाला है, लोग विरोध करें तब भी रहने वाला है। लेकिन मैं अपने लिए एक शेर कहूँ, मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं।